अजीज तुलबा तालिबात जमात हश्तुम के दूसरे वीडियो एंडोकिल्स एंड द लायन के दूसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। शुरुआत करते हैं जहाँ से ख़त्म किया था। एंडोकिल्स टू द पा इन हिज लेफ्ट हैंड, एंडोकिल्स ने पंजा अपने बाएं हाथ में पकड़ा। डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, डेफ्टली स्किलफुली यानी महारत से और बहुत तेज़ी से उसने अचानक ज़ोर से खींच कर कांटा निकाल दिया। देन टियरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथ द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पा, फिर उसने उस अपने कपड़े को फाड़ा एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा और उसे जख्म पर बांध दिया। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रैटिट्यूड, और उसे बड़ा ताजुब हुआ, सरप्राइज इन्हें ताजुब हुआ एंड वंडर वो अजीब उसे लगा। द लायन देन लिक्ड हिज आर्म के शेर ने क्या किया, अपना हाथ उठाकर उसे एक ग्रैटिट्यूड यानी उसका एहसान माना। एंडोकल्स रिमेंड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, एंडोकल्स ने उसे याद दिलाया कि याद किया कि शायद शेर कुछ देर के लिए चल सके। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, कि वो कुछ देर के लिए चले हंट यानी शिकार करे जंगल में और उससे अपना खाना शेयर करे। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, हर रोज़ वो उस शेर का ज़ख्म साफ करता और भरता और उसे ड्रेसिंग करता। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, और जल्द ही शेर वहाँ से चलने लायक हो गया। मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोकिल्स वेर एवर ही वेंट, और कई मरतबा वो एंड्रोकिल्स के पीछे पीछे चला जहाँ भी वो जाता था। इन द मीन वाइल एंड्रोकिल्स मास्टर हैड कंप्लेंट टू द अथॉरिटी डैट हिज स्लेव एंड्रोकिल्स हैड रन अवे, इसी दौरान एंड्रोकिल्स का जो मास्टर था उसने कंप्लेंट दे दिया अथॉरिटीज़ को कि उसका जो गुलाम है एंड्रोकिल्स वो रन भाग गया है। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोकिल्स, और सिपाही सोल्जर्स यानी सिपाही तमाम सिमत में भेजे गए ताकि वो एंड्रोकिल्स को पकड़ सके। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम, उन्होंने वो ढूंढने निकले थे एंड्रोकिल्स को हर तरफ लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोकिल्स लिव्ड, और आखिरकार वो जंगल में आ गए जहाँ पर एंड्रोकिल्स रहा करता था। इट सो हैपन्ड डैट एंड्रोकिल्स हैड गॉन आउट अलोन डैट डे व्हाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, ऐसा हुआ कि एंड्रोकिल्स अकेला ही बाहर गया था और लायन जो है अपने गुफा के करीब आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इन टू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर, दोनों भी सिपाहियों के हाथ में पड़ गए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, और शेर और एंड्रोकिल्स दोनों को सिपाही शहर ले गए। दे पुट एंड्रोकिल्स इन चेन्स इन अ प्रिजन, उन्होंने एंड्रोकिल्स को चेन से यानी जंजीरों से बांधकर जेल में डाल दिया, प्रिजन यानी जेल। द लायन वॉज केज्ड, और लायन यानी शेर को पिंजरे में रख दिया। इन दोज डेज पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, उन दिनों में जो लोग किसी सीरियस क्राइम में किसी सीरियस यानी मोहलिक जुर्म में पकड़े जाते थे उन्हें जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था एज़ पनिशमेंट बतौरे सज़ा। रनिंग अवे फ्राम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, और अपने मास्टर से भाग जाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म हुआ करता था। देयरफॉर एंड्रोकिल्स टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट, तो इसलिए एंड्रोकिल्स को भी जंगली जानवरों के पास फेंका जाना था। ऑन द अपॉइंटेड डे द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस, और जो जिस दिन ये मामला होने वाला था उस दिन एम्परर वहाँ पर आया और सर्कस में अपनी जगह पर बैठ गया। द क्राउड्स चीर्ड लाउडली, जो भीड़ है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, आवाज़ें करने लगी। द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट एंड एंड्रोकिल्स वॉज बॉट इन टू द अरेना, अरेना क्या होता है, अ ग्राउंड सराउंडेड बाय सीट्स ऑन ऑल साइड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स, ये देखिए स्टेडियम टाइप होता है जहाँ पर इस किस्म की तमाशे होते हैं। जो ट्रम्प यानी ढोल बजाने वाले थे या नगाड़े बजाने वाले थे ट्रम्पटर्स, तो उन्होंने क्या किया, ट्रम्पेट यानी अपने नखारे बजाना शुरू कर दिया और
हिज चेन्स वेर अनबाउंड। एंड्रू केल्स को वहाँ पर लाया गया और उसकी चेन खोल दी गई। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, और वो कमज़ोर दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा गमगीन। डिसमेड यानी गमगीन, सैड। ही वॉज सर्टन डैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिस लाइफ, और उसे यकीन था, सर्टन यानी यकीन था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। एट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज एंड अ फेरोशियस लाइन वॉज रिलीज इन टू द अरेना, और सामने की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा खूंखार शेर को छोड़ दिया गया इस मैदान में। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस, उसे कई दिन तक के भूखा रखा गया ताकि उसे ज़्यादा खूंखार बनाया जा सके। फेरोशियस वाइल्ड एंड डेंजरस फियर्स, यानी जंगली और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। एंड्रोकल्स वॉज फिल्ड विद फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, एंड्रोकल्स खौफ से भर गया था, फियर यानी खौफ, बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन उसने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। पुट अप अ ब्रेव फ्रंट ये एक फ्रेज़ है, शो डैट वन इज़ नॉट अफ्रेड, यानी अपने डर को छुपाना, दिखाना नहीं कि वो डरा हुआ है। द लायन सॉ एंड्रोकल्स एंड रज टूवर्ड्स हिम, शेर ने एंड्रोकल्स को देखकर उसकी तरफ दौड़ गया। बाउंडिंग एंड रोरिंग, वो ज़ोर ज़ोर से धाड़ रहा था, बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स, अचानक वो अपने रास्ते में ही रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, आगे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, उसका पूरा जो गुस्सा था वो ऐसा लग रहा था कि वो पिघल गया है, कम हो गया है। एंड्रोकल्स सॉ दिस टू, एंड्रोकल्स ने भी ये देखा। ईच फ्रेंड रिकग्नाइज द अदर, हर दोस्त ने एक दूसरे को पहचान लिया। टू एवरी वन्स अवेजमेंट द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स द एंड्रोकल्स अगेन, बट वेन इट रीच्ड हिम इट बिगैन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम। सब लोग हैरान हो गए, जब एंड्रोकल्स के करीब शेर गया तो वो उसने अपनी नाक को उसके करीब में घसना शुरू कर दिया। एंड्रोकल्स हग्ड द लायन, ही वेप्ट विद रिलीफ एंड जॉय, एंड्रोकल्स ने शेर को गले लगा लिया, फिर वो रो रहा था और खुशी के मारे मुस्कुरा रहा था। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर, ऑडियंस तमाशाई इंक्लूडिंग द एम्परर शहनशाह के साथ वॉच दिस टेंडर साइट, ये नाजुक लम्हे को देख रहे थे इन ग्रेट वंडर बहुत ही ज़्यादा हैरानी से। पीपल बिगैन टू चीर एंड्रोकल्स एंड आस्क फॉर हिज रिलीज, लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और एंड्रोकल्स के रिहाई का मुतालबा करने लगे, रिलीज यानी रिहाई। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, शहनशाह ने एंड्रोकल्स से पूछा कि वो इस शेर के अजीब बर्ताव के बारे में बताए। व्हेन ही हर्ड द होल स्टोरी, जब उसने पूरी कहानी सुनी, द एम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ड बाय द ग्रैटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट, तो शहनशाह भी बहुत ज़्यादा मभूत हो गया जब उसने ये सुना। मूव्ड बाय हैविंग स्ट्रांग फीलिंग्स, यानी दिल भर आना, ग्रैटिट्यूड यानी एहसान मंदाना, फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन एंड बीस्ट, जो दोस्ती थी एक इंसान और एक जंगली जानवर के बीच में। ही ऑर्डर डेट एंड्रोकल्स शुड बी सेट फ्री, उसने हुक्म दिया कि एंड्रोकल्स को आज़ाद कर दिया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, वो इसके बाद में ग़ुलाम नहीं होगा। व्हेन द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स व्हाट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाइक, जब एंड्रोकल्स से शहनशाह ने पूछा कि तुम्हें दूसरा और क्या इनाम होना चाहिए, एंड्रोकल्स रिप्लाइड डैट ही डिड नॉट वॉन्ट एनी थिंग फॉर हिमसेल्फ बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, तो एंड्रोकल्स ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना कीजिए कि इस शेर को भी आज़ाद कर दीजिए। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ, दोनों दोस्त जंगल में वापस चले गए ताकि वह आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सके। अगले वीडियो में हम इंग्लिश वर्कशॉप के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।